दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहर्रम उल हराम में ईशा की नमाज के बाद के वजीफा जो आपको करना है, उसे 100 मरतबा आपको पढ़ना है। उसे पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम से नए साल का आगाज़ होता है। इस महीने का इस्लाम मज़हब में गहरा ताल्लुक रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और घटनाएं हैं इस महीने में हुई है, जो ऐसा माना गया है कि इस महीने में इबादत का बहुत ही बड़ा शबाब मिलता है। ख़ास तौर पर इस महीने में 10 तारीख को किया गया इबादत। दोस्तों इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की इबादत को सुनते हैं और उन्हें कबूल करते हैं। इस महीने में 2 रोज़ा भी रखा जाता है, 9 और 10 या 10 और 11 रोज़ा रखा जाता है। वैसे तो जिसकी मन्नत होती है वो 10 के 10 रोज़े रखते हैं, जैसे चांद निकलने के बाद से 10वें रोज़े तक। इस महीने में रोज़ा की भी काफ़ी अहमियत है। दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला का पाक महीना कहे हैं और इस महीने में रोज़ा रखने का भी बहुत बड़ा महत्व है। मुहर्रम की 9 तारीख को रोज़ा रखने से पिछले 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 9 तारीख को रोज़ा रखने का शवाब 30 रोज़े के बराबर होता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस महीने का क्या महत्व है। इस महीने में इस्लाम मजहब के कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई है। मुहर्रम के 10 तारीख का इस्लाम में काफ़ी अहम है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिक्ति को किनारा मिला था। इसी दिन 10 मुहर्रम के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को यजीदियों ने शहीद कर दिया था। इस दिन को शहादत के दिन के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस दिन इबादत का बेहद शवाब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इबादत का हुक्म दिए हैं। दोस्तों मुहर्रम के शुरू का 10 दिन इबादत का बहुत बड़ा शवाब मिलता है। इस दिन आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसको करने से हर तरह की परेशानी या दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों आने वाली सभी तरह की परेशानी भी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आपकी गिनती एक अच्छे बंदे के रूप में होगी। आपको इस अमल को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इस अमल के लिए 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक करनी है। आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वही बैठकर पहला कलमा 100 मरतबा पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह आपको पढ़नी है। आप अच्छे से देख लीजिए और सुन भी लीजिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला के बरगाह में हमें दुआ मांगिए। इसके अलावा इस महीने में ख़ास तौर पर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मातम कर रहा है या दूसरे काम कर रहा है, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बरगाह में किसी की बुराई करे। वो जो भी करे उनका और उनके अल्लाह तबारक व तआला के बीच में के मसला है। हमें इस मसले पर अपनी नुचा चीनी करके अपना अमल ख़राब नहीं करना है। और उसके बाद अमल करने के बाद आप जो भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की वजह से और बरकत मुहर्रम की बरकत से आपको वो ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस अमल को आप ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक शेयर और दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।